गुड इवनिंग ऑल, कैसे हैं आप सब? तो क्या बात है, आज मेरे शेयर लोग 24 पहले पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे देख के ये चीज़। और दूसरी जो चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारा रिवीजन सेशन चल रहा है जेनेटिक्स का, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए हमारे साथ में। और क्या चीज़ हमने कर ली है, भाइयों का भाई सोनू वर्मा, करिश्मा अशोक गुप्ता, शशि, रवि रंजन झाश, दीक्षा त्रिवेदी, निशा, अभिषेक तिवारी, हाय हेलो, कैसे हैं? वेलकम विद द मनोज कंसेप्ट। अरे यार, मनोज कंसेप्ट अब खत्म हो गया है। अंजलि गुप्ता, शाबी पटेल जी, लाखीवाल जी, राहुल राठौड़, दर्शन, हाय हाय हाय, हेलो हेलो हेलो, डॉक्टर वैष्णविक, कैसे? सोनम कुमारी, हाय। तो आशीष कश्यप कैसे हैं? अनुराधा तिवारी। तो देखिए, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हमने ये सब पढ़ लिया है, ये डिफरेंट मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड डिफरेंट टाइप के प्रिंसिपल्स, इनके रेशियोज, टेस्ट क्रॉस के बारे में, ये सब इंट्राजेनिक, हमने को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इन सब के एग्जाम्पल, भाविका, सब पढ़ लिए, विजय, है ना? और ये ध्यान रखना, रंजन सहाय, ये फॉर्मूलाज हमने देख लिए थे। प्लियोट्रॉपी के बारे में बात कर ली थी, पॉलीजेनिक जो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है उसके अंदर हमने एग्जाम्पल देखा था, वो था हमारा ब्लड, क्या बोलते हैं उसको, स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर का, ठीक है? ह्यूमन स्किन कलर का जो है हमने ये देख लिया था, तीन जीन होती है, ए बी और सी, जो कि ये पूरा कलर को क्या करती है। आईआईटी दिल्ली, डॉक्टर वैष्णविक, रविरंजन रिवीजन करा दीजिए यार। रविरंजन रिवीजन सेशन में रिवीजन कैसे होगा, है ना? नहीं, कॉफी बिल्कुल, मैं कॉफी पी के आया हूँ। और देखिए, ये सब हमने देख लिया था कि इसका रेशियो है, ध्यान से सुनिएगा, ये देखिए नीचे मैंने लिख रखा है, 1 6 15 20 15 6 1, इस तरह का रेशियो है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इस रेशियो को रट लेना है हमें, बिल्कुल ज़्यादा इसको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और ये कहा गया सुजीत मजूमदार, आयुष कुमार गुप्ता, जगदीश शर्मा, ये कहा गया कि एक्चुअल में क्रोमोसोम क्या है। ध्यान से सुनो, ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती है जीन्स, है ना? सुटन और बोबरी ने बताया, और ये कहा कि ये क्रोमोसोम ही तो है जो कि जीन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाते हैं। आईआईटी दिल्ली, यार तुम्हारा नाम नहीं है क्या? आईआईटी दिल्ली कोई नाम हो सकता है? तुम बताओ, तुम्हारा नाम नहीं है। मैं मान रहा हूं कि तुम आए हो, बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन असली नाम के साथ आने में लोगों को क्या समस्या है यार? फेक प्रोफाइल्स, जिंदगी फेक, क्या यार? गुरु सरन, ये देखो कितना प्यारा नाम है, नीतीश कुमार, हाय। चलिए, तो ये उसके बाद में क्या बोला, उसके बाद में देखो, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो था, ये सबसे पहले जो है सुटन और बोबरी ने बताया, और इन्होंने रिलेट किया जीन्स को क्रोमोसोम से, ठीक है ना? आलिया गुड इवनिंग, और बिल्कुल, और ये जो है एस बी राज जी नमस्कार, प्रमोद कुमार जी नमस्कार, ठीक है? अब हम आगे क्या बोले, रवीश खान, हाय, है ना? प्यारा है, सबका नाम प्यारा है भाई, सबका नाम प्यारा है, सुनो तो सरी माही कुमावत। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो थ्योरी थी, इसके अंदर देखो क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जितने भी क्रोमोजोम है वो सभी पेयर में प्रेजेंट है, आप सबको पता है होमोलोगस क्रोमोजोम है, और होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट कब होते हैं, मियोसिस में होते हैं, ठीक है? और मियोटिक के जो प्रोडक्ट है, इसका मतलब गैमेट, उसके अंदर अंजलि गुप्ता, सिद्धार्थ, सुनो, रोहित कुमार, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर जो है इनमें से एक ही प्रेजेंट होगा, ठीक है? फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो क्रोमोसोम का नंबर है, जो क्रोमोसोम का नंबर है वो वापस रिटेन हो जाएगा। 46 थे तो 23 आए इधर से, 23 आए इधर से, और दोनों रिटेन कर गए। नेक्स्ट, जीन कहां पे लोकेटेड है, जीन लीनियरली अरेंज्ड है क्रोमोसोम के ऊपर। ये क्रोमोसोमल थ्योरी थी, और इसके जो एक्सपेरिमेंट थे, भाई थ्योरी तो दे दी लेकिन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी तो जरूरी था। ये जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया, ये दिया टीएच मॉर्गन ने। ये टीएच मॉर्गन को फ्लाई मैन भी कहा जाता है, और किसके ऊपर बेस दिया, देखिए, फ्रूट फ्लाई, बनाना फ्लाई, मैंगो फ्लाई, ड्रोसोफिला, ये सब एक ही फ्लाई का नाम है जिसका नाम है ड्रोसोफिला, ठीक है ना? ड्रोसोफिला, सबसे पहले ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना? और इंपॉर्टेंट कैसे है ये देखो आप, ये इसको कहा जाता है जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का जैकपॉट है ड्रोसोफिला। जब देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो इसका साइज छोटा है, छोटा साइज होने के कारण सिंथेटिक मीडियम में भी आराम से इसको क्या कल्चर किया जा सकता है, पहला पॉइंट। फ्लाईमैन क्यों कहते हैं, अरे इसने ड्रोसोफिला के ऊपर बहुत सारा काम किया ना, इसीलिए। इसका जो लाइफ साइकिल है, स्पैन नहीं कह रहा, लाइफ साइकिल 2 वीक की है, है ना? और इसके अंदर बहुत सारे हेरिडिटी जो वेरिएशन है ना, वो आप लो पावर माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हो। नेक्स्ट, इसके एक मेटिंग के बाद 100 से ज्यादा प्रोजेनी बन रही है,
भाई ये ध्यान से सुनिए मेरी बात को यार, ये जो सेशन है ना, ये सेशन रिवीजन सेशन है यार, इसके अंदर चीजें ज्यादा जल्दी होंगी और डिटेल में होंगी, ठीक है, ज्यादा जल्दी होंगी और डिटेल में होंगी। तो आपको क्या करना है, फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठना है, सुनना है, चीजों को देखना है। एक जगह यदि आपने मिस कर दिया, सब कुछ मिस हो जाएगा, ध्यान से, ठीक है। करिश्मा नहीं, बात करो इधर मुझसे, बात करो आपस में नहीं। तो हम लोग ये बात कर रहे हैं, देखिए क्लियर कट डिफरेंशिएशन है मेल और फीमेल के अंदर। जो फीमेल है, मेल स्मॉल होता है, फीमेल लार्ज होती है, और फीमेल के पास एक ओविपोजिटर नाम से एक पार्ट है, इस पार्ट के अंदर वो एग रखती है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्मॉल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, कितने हैं टोटल, 2n = 8, और बिल्कुल आराम से इजिली क्या कर सकते हैं, इनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट, अब हम इन्होंने ये चीजें और निकल के आई, फिर चीजें और निकल के आई, और विजय जी चीजें क्या निकल के आई, चीजें ये निकल के आई कि जो लिंकेज है ना, ये भी एक फिनोमिना है। लिंकेज का मतलब क्या है, देखिए एक क्रोमोसोम है, ये इस क्रोमोसोम के ऊपर दो जीन थे, एक ये और एक ये दोनों जीन की टेंडेंसी, ये दोनों जीन की टेंडेंसी कि वो दोनों जीन कैसे एक साथ जाए, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में दोनों बिल्कुल पास पास है, वो दोनों क्रॉसिंग ओवर नहीं हो, जितनी पास पास है उतना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर के जो चांसेस हैं, ठीक है ना, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे, और नेक्स्ट जनरेशन में बिल्कुल स्ट्रांगली बॉन्डेड। भाविका बिल्कुल सही कह रही है, स्ट्रांगली बॉन्डेड नेक्स्ट जनरेशन में जाने के चांसेस उतने ही ज्यादा क्या हो जाएंगे, उसके बढ़ जाएंगे। अब ये बैटसन और पुनीत ने स्वीट पी के ऊपर जब काम किया, तब इसको डिस्कवर किया, और लिंकेज जो होता है, लिंकेज ग्रुप कितने होंगे, जो भी आपका 2n का नंबर है उसके हाफ। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन के अंदर यदि आप बात करें, ह्यूमन के अंदर बात ना करें, पहले हम बात करते हैं, देखो ह्यूमन के अंदर बहुत बड़ा एक चीज है, पहले हम ये देखते हैं। देखिए पाइसम सटाइवम के बारे में यदि हम बात करें, तो क्या है, पाइसम सटाइवम में 7, इसका मतलब 14 उसके अंदर टोटल क्रोमोसोम है, और एन में कितने होंगे भाई, 7, 2n = 14, पाइसम सटाइवम में n = 7, इसका मतलब टोटल लिंकेज ग्रुप कितने हैं, 7, जितना हैप्लॉइड सेट है। ड्रोसोफिला में कितने हैं, 8 क्रोमोसोम बोले हमने, 4। राइस में कितने हैं, 24 क्रोमोसोम होते हैं, 12। अब ह्यूमन के बारे में आ जाओ भाई, भाई ह्यूमन के बारे में अभी हम बात करेंगे, लेकिन देखो जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम आर लिंक्ड, बिल्कुल सही बात है, दोनों एक दूसरे के पास है। दूसरी बात, जीन्स आर प्रेजेंट इन द लीनियर फैशन, एक के ऊपर एक, इस तरह से, ये देखिए ये क्रोमोसोम के ऊपर इस तरह से जीन लगी हुई है, ठीक है। ये कब सेपरेट होगी, ये सेपरेट होगी सिर्फ और सिर्फ क्रॉसिंग ओवर करके, ठीक है। और ध्यान रखना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द हैप्लॉइड स्टेज इज इक्वल टू द लिंकेज ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब हम ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं, भाई ह्यूमन के अंदर बात की थी ना हमने, चलो मेरी बात सुनो आप। अब इधर देखा जरा भाई, ह्यूमन के अंदर एक तो मेल है, एक है फीमेल, ध्यान से, एक मेल है और एक फीमेल है। मेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, फीमेल के अंदर भी कितना है, 46। इस 46 में मैं ये बोल दू 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, और 23 में से भी ये बोल दो 22 पेयर ऑटोसोम, प्लस मेल के अंदर एक्स और वाई दो डिफरेंट क्रोमोसोम है या नहीं है। पॉल साहब अब आए हो यार, बहुत देर बाद तुम्हारा कमेंट दिखाई दिया, ठीक है। देखो जगदीश ये है ना, ये एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है थोड़ा सा, ये दोनों कई जगह एक ही तरह से इस वर्ड को यूज किया गया है, ठीक है। अब ये देखो फीमेल के अंदर क्या है, 22 प्लस एक्स एक्स, तो मेल के अंदर टोटल लिंकेज ग्रुप कितने हैं, 22, 23 और 24, और फीमेल के अंदर ये दोनों एक जैसे हैं, तो टोटल लिंकेज ग्रुप कितने हैं, 23। तो मेल के अंदर टोटल लिंकेज ग्रुप कितने हैं, 24, और फीमेल के अंदर कितने हैं, 23, ठीक है ना रवि पटेल, फटाफट लाइक भी बढ़ाते जाओ मेरे शेरों। चलो तो ये हमने देख लिया, नेक्स्ट हम मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट है, मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट था वो फ्रूट फ्लाई पे था, और ये जो ड्रोसोफिला है इसके अंदर एक्स एक्स जो है दैट इज फीमेल और एक्स वाई मेल है, और यहाँ पे एक और कंडीशन देखने को मिली कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट लगाया वो किस तरह से तीन तरह के फ्रूट फ्लाई के अंदर लिया। अरे कोई बात नहीं पॉल साहब, मैंने देखा नहीं ना आपका, इन्होंने फ्रूट फ्लाई के अंदर तीन चीजों को लिया, वो जो करेक्टर थे वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर सिचुएटेड थे, वो जो जीन थी वो किसके ऊपर थी, एक्स के ऊपर थी। अब जरा ध्यान दो, पहला है बॉडी कलर, ठीक है, पहला है बॉडी कलर। अब जरा इधर ध्यान देना, ये बॉडी कलर है, ये ब्राउन है डोमिनेटिंग, येलो है रेसेसिव। पता है डिनोट कैसे करेंगे, पता है डिनोट कैसे करें, है ना, निश्चय डिनोट ऐसे करेंगे, ये तो हो गया वाई,
रेसेसिव, लेकिन ब्राउन को पता है कैसे वाई प्लस से डिनोट करेंगे? ये पहला जेनेटिक्स का ऐसा केस है जबकि थोड़ा सा अलग लिया जाता है इसमें, ठीक है? ब्राउन को हमने कैसे बोला वाई प्लस और येलो को क्या वाई। तो सबसे पहला बॉडी कलर, बॉडी कलर पहला इसका कैरेक्टर था। दूसरा जो कैरेक्टर था वो कौन सा था भाई? दूसरा कैरेक्टर था आई कलर, रेड डोमिनेंट और व्हाइट क्या है रेसेसिव, ठीक है? रेड डोमिनेंट और व्हाइट क्या है रेसेसिव। व्हाइट ये अब इसको कैसे डिनोट करोगे? पहला बॉडी कलर, दूसरा आई कलर, ये देखो डब्लू और ये डब्लू प्लस, और यहां विंग मिनिएचर एम और ये देखो नॉर्मल एम प्लस। तो जो भी डोमिनेटिंग कैरेक्टर है उसको प्लस से डिनोट करेंगे। वाइल्ड वैरायटी, बहुत अच्छा दर्शन पाटीदार, बिल्कुल अच्छा शब्द का प्रयोग किया इस बच्चे ने, वेरी गुड, ठीक है ना? बिल्कुल। अब उसने क्या क्या किया? बॉडी कलर का पहला जो क्रॉस लगाया वो लगाया बॉडी कलर वर्सेज आई, दूसरा क्रॉस लगाया आई वर्सेज विंग्स, और तीसरा क्रॉस लगाया विंग वर्सेस बॉडी कलर, ठीक है? पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का पहले से, ऐसे क्रॉस लगाया। और इनका जो क्रॉस नंबर वन मैंने आपको बताया बॉडी कलर वाला, इसके अंदर पेरेंटल कॉम्बिनेशन आया 98% और रिकॉम्बिनेंट आया 1.3। सीधा का सीधा रिजल्ट याद करना है। और क्रॉस नंबर टू का आया जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन 62.8 और रिकॉम्बिनेशन 37.2, और क्रॉस नंबर तीन का आया 61.5 और रिकॉम्बिनेंट आया 38.5। बड़ा सस्पेंस, दो अलग अलग जीने, जितना ज्यादा ये डिफरेंस, जितना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज आएगा इसका मतलब उतनी ज्यादा दूर है वो जीने, ठीक है? नहीं, सारे डोमिनेंट ऐसे कौन से शो होते हैं? अरे निश्चय यार, कैपिटल टी से हम डिनोट करते हैं किसको? टॉल को, और ड्रॉफ को किससे करते हैं? स्मॉल टी। यहां पर ड्रॉफ का डी तो नहीं यूज किया ना, क्या यार, पता नहीं क्या करते हो तुम लोग मेरे शेरों। चलिए, तो अब यदि जीन का दो जीन है और जीन्स के बीच में जो रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज आ रही है वन, दो जीन है जिनके बीच में रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज आ रही है वन, इसका मतलब उन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है वो है 1 सेंटीमॉर्गन यदि यूकैरियोटिक जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, और 1 मैप यूनिट यदि प्रोकैरियोटिक जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा ग्राफ के अंदर, हम जब मैप पढ़ते हैं किसी का भी तो उसके अंदर लिखा होता है कि एक कॉलम बराबर 50 किलोमीटर, तो इस तरह से शो करेंगे आप, ठीक है ना? और ये नीट का क्वेश्चन है, एल्फर्ड स्टुअर्ट जो कि स्टूडेंट था मॉर्गन का, उसने क्या किया? इस फ्रीक्वेंसी का यूज किया और जीन्स पेयर के बीच क्रोमोसोम में उसको क्या किया? अरेंज किया, उसकी पोजीशन बताई कि कौन सा किधर है, और यही हम करेंगे। देखिए हमारा जो पहला, ध्यान से सुनिए, ये पूरा एक्स क्रोमोसोम है, इस एक्स क्रोमोसोम पे क्या हुआ? ये देखो वाई डब्ल्यू जीन दोनों के बीच का सबका डिस्टेंस जो है यहां पे दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको दोबारा सबसे पहली बात कैसे इसको अरेंज करना है ये बताऊंगा। सबसे पहले ये जो वाई क्रोमोसोम है इसके अंदर हम ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसके बीच का आ रहा था। सबसे ज्यादा डिस्टेंस आ रहा था एम और वाई के बीच में, हमने सबसे पहले उसको रखा, ठीक है? हमने एम सिचुएटेड कर दिया, वाई सिचुएटेड कर दिया, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज 38.5। और ये 38.5 कहां से आया भाई? ये 38.5 आया यहां से, जो थर्ड क्रॉस हुआ था उसमें सबसे ज्यादा रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज था, ठीक है? बिल्कुल, ये पाटीदार जी ठीक कह रहे हो आप, चार चार पांच क्रॉस है लेकिन जो एनसीईआरटी है वो तीन ही, अपन तीन ही मान के चलेंगे। यहां से लिया, इसके बाद ये जीन प्लेस्ड होगी और उसके बाद ये जीन प्लेस्ड होगी। तो देखो ये आ गया एक्स क्रोमोसोम, ये दोनों प्लेस कर दिए हमने लास्ट में। ये देखिए 38.5 सबसे पहले रखा, फिर दोनों को जो सबसे इसके बाद वाला है वो इन दोनों को प्लेस किया और इन दोनों का ऑटोमेटिकली निकल जाएगा और इस तरह से क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? अरेंज हो जाएगा। यदि किसी को ये चीज समझ में नहीं आई है तो हमारा जो सेशन है, जो हमने डिटेल सेशन लिया है, उसमें जाके आप जरूर देख लें एक बार, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। ये हमारा रिविजन सेशन चल रहा है, इसमें चीजें फास्ट ही चलेंगी। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्स डिटरमिनेशन। तीन टाइप से हो सकता है, एनवायरमेंटल हो सकता है, क्रोमोसोमल हो सकता है, जेनेटिक बैलेंस थ्योरी हो सकती है। यदि एनवायरमेंटल की बात है तो सबसे पहले एफ ब्लैटजर ने किया बोनेलिया में, और इन्होंने क्या कहा कि सेक्स, देखो सेक्स डिटरमिनेशन ये हो सकता है, ठीक है? सेक्स डिटरमिनेशन संजीत, सेक्स डिटरमिनेशन क्या हो सकता है? फर्टिलाइजेशन से पहले हो, एपिगैमिक। ये हो सकता है कि सेक्स डिटरमिनेशन फर्टिलाइजेशन के समय हो, सिनगैमिक। ये हो सकता है सेक्स डिटरमिनेशन फर्टिलाइजेशन से पहले हो तो प्रोगैमिक, बाद में हो तो एपिगैमिक, और ड्यूरेशन में हो तो सिनगैमिक। पहले हो तो प्रोगैमिक, यदि बाद में हो तो एपिगैमिक, और ड्यूरेशन ऑन ड्यूरेशन हो तो सिनगैमिक। चलिए अब बोनेलिया के बारे में बात करें, ध्यान से सुनिए। बिल्कुल डॉक्टर वैष्णविक, थैंक्स अ लॉट।
है ना मरियम, तो हम लोग बोल रहे हैं एग्जाम्पल क्या है एनवायरमेंटल के, बोनिलिया जो लार्वा होता है यदि वो फीमेल के आसपास रहेगा, यदि वो अकेला रहेगा तो फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि वो फुली डेवलप्ड फीमेल बॉडी में एज ए पैरासाइट रहेगा तो वो लार्वा मेल डेवलप्ड हो जाएगा, ठीक है, पहला एग्जाम्पल। नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं लिजार्ड के केस में, हाई टेम्परेचर पे यदि एग्स को रखोगे तो फीमेल बन जाएंगे, लो टेम्परेचर पे मेल बन जाएंगे। टर्टिल के अंदर यदि टेम्परेचर 33 डिग्री से ज्यादा है तो फीमेल, और यदि 28 डिग्री से कम है तो मेल। सिंपल सी बात है, ये सब चीजें मगअप करने की, सिर्फ आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको समझ में आ रहा है क्या। यदि आपको ठीक है समझ में आ रहा है सब बढ़िया है, याद करने में थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है ना। और ये देखो नॉन एलोसोमिक या जेनेटिकल सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है बैक्टीरिया के अंदर है, यहां पे सेक्स क्रोमोसोम नहीं है लेकिन यहां पे फर्टिलिटी फैक्टर है जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। नाउ अब हम देख रहे हैं कि क्रोमोसोमल जो थ्योरी है उसके अंदर यदि हम बात करें तो देखो कुछ केसेस है जिसके अंदर मेल हिट्रोगैमी है। हिट्रोगैमी मतलब मेल दो डिफरेंट टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन करता है। सबसे पहला जो है इसमें एक्सोटाइप, ये डायोस्कोरिया कॉकरोच और वेलिसिनेरिया ग्रासोपर के केस में होता है। यहां पे एक्सो जो है वो मेल है और एक्सएक्स जो है वो कौन है, फीमेल है। ह्यूमन ड्रोसोफिला और मेलेंड्रियम और लिवरवॉर्ट दे आर द प्लांट्स, इनके अंदर भी एक्स वाई टाइप का होता है, एक्स वाई मेल होता है और एक्सएक्स कौन सा होता है बच्चों, फीमेल होता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस है जिसके अंदर फीमेल हिट्रोगैमेट है, ओके। फीमेल हिट्रोगैमेट कहां पे है, फीमेल हिट्रोगैमेट है ZW टाइप में, इसके अंदर ये फीमेल होगी और ZZ क्या होगा, मेल होगा। बर्ड्स में होता है, रेप्टाइल होता है, फिशेज होता है, सिल्क वॉर्म होता है। फ्रगेरिया इज ए प्लांट विच शोज ZW टाइप ऑफ दिस सेक्स डिटर्मिनेशन। ZO टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन कहा है, बटरफ्लाई और मोथ के केस में, यहां पे ZO जो होते हैं फीमेल है और ZZ जो है ये मेल है। टेम्परेचर के इफेक्ट से जेंडर बदलता है, बिल्कुल करिश्मा शो गुप्ता, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अब हम देख रहे हैं हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी आंट और वेस्प में होता है, और हनी बी का 2N = 32। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हनी बी के केस में क्या होगा, 2N = 32 है। ये जो 32 है इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये ध्यान से सुनिए कि यहाँ पे जो फीमेल्स है, एग जो है एग डायरेक्टली, देखिए एग यदि अनफर्टिलाइज है तो वो कन्वर्ट हो जाता है पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू ड्रोन में। एग जो है फीमेल का जो एग है 2N = 16 है, ये अनफर्टिलाइज है तो ड्रोन में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि ये फर्टिलाइज है तो रॉयल जेली एक स्पेशल टाइप की हनी है उसके ऊपर डिपेंड है। यदि स्पेशल टाइप की हनी के ऊपर फीड कराया तो क्वीन हो जाएगा, यदि स्पेशल टाइप के हनी के ऊपर फीड नहीं कराया तो वर्कर हो जाएगा, ओके डन, ठीक है। अब ध्यान रखना ड्रॉन हमेशा अप्लॉयड होता है इस केस में, चलिए, और ड्रॉन ही फर्टाइल है भैया यहां पे ड्रॉन। चलिए जेनेटिक बैलेंस थ्योरी जो है वो ये कहती है कि ड्रोसोफिला के अंदर एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम नंबर ऑफ ऑटोसोम के रेशियो के बेसिस पे सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है। नंबर ऑफ ऑटोसोम और नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड होता है क्या सेक्स डिटरमाइन होगा। चलिए सबसे पहली बात करते हैं हम लोग, सबसे पहले देखिए यदि रेशियो 1 है तो नॉर्मल फीमेल दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना, यदि रेशियो 1 है तो नॉर्मल फीमेल, यदि रेशियो है आपका 0.50 नॉर्मल मेल, मैंने कहा यदि रेशियो 1 है तो नॉर्मल फीमेल, बिल्कुल नॉर्मल फीमेल, रेशियो है 0.5 तो ये होगा नॉर्मल मेल, ठीक है, नॉर्मल। एक से ऊपर रेशियो चला गया 1.5 तो ये हो जाएगा सुपर फीमेल, रेशियो चला गया 0.33 तो ये हो जाएगा सुपर मेल, कुछ नहीं बॉडी साइज थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। और बीच का जो भी रेशियो है दे ऑल आर इंटरसेक्स, ठीक है, दे ऑल आर इंटरसेक्स, समझ में आ गया। चलिए आगे आगे बढ़ते जाइए भाई, आज ये चैप्टर कंप्लीट हमें करना है। देखिए तीन तरह के ट्रेड्स है, एक है हमारे पास सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स, एक है हमारे पास सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट और एक है हमारे पास हॉलेंडिक ट्रेट। कुछ ऐसे करेक्टर जो सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से देखो, कुछ ऐसे करेक्टर जो सिर्फ और सिर्फ वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल पॉर्क्यूपाइन स्किन टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, हाइपरट्राइकोसिस कानों के ऊपर बालों का उगना, बात ना करें आपस में प्लीज, फोकस करें, फोकस करें। ललिता आ गई है, इट्स ओके ललिता,
ठीक है, फोकस करें बिल्कुल। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो होलेंट्रिक ट्रेट है, दे आर ओनली प्रेजेंट इन वाई क्रोमोसोम और दे ओनली ट्रांसफर फ्रॉम मेल टू मेल। लेकिन जब हम सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट के और सेक्स लिमिटेड ट्रेट के बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनो, द ट्रेट आर ऑटोजोमल, दे आर ऑटोजोमल। ठीक है, ये ऑटोजोमल है, फाउंड इन बोथ, दे आर फाउंड इन बोथ, इधर वाला बट एक्सप्रेस इन वन। ठीक है, जैसे सेक्स लिमिटेड ट्रेट में मिल्क ग्लैंड्स, बियर्ड इन मेल्स, डीप मेल वॉइस, एंट्रल इन मेल डियर, ब्रिलियंट पमलेज पीकॉक एंड फीमेल एंड मेल मस्कुलेचर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब हम बात करते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट की, तो विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेक्स ऑफ द बेरर, इसके अंदर एक के अंदर ज्यादा दिखाई देगा। एग्जाम्पल है गंजापन या शॉर्ट इंडेक्स फिगर। ठीक है, यदि किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पुराना वाला जो लेक्चर है डिटेल्ड वो देख सकते हैं, सब कुछ बहुत डिटेल में कराया गया है। पेडिग्री एनालिसिस, हम यहां पे पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन हमने भर भर के क्वेश्चन किए पेडिग्री एनालिसिस में, डिटेल सेक्शन में किए हैं, आपको डिटेल सेक्शन देखना है। ठीक है, मैं जो बताना चाह रहा हूं वो आप ध्यान से सुने। हम ये कह रहे हैं इस रेक्टेंगुलर बॉक्स से हम मेल को डिनोट करते हैं, इससे फीमेल को करते हैं। ठीक है, अफेक्टेड को बिल्कुल इस तरह से डिनोट करते हैं, मेटिंग को इस तरह से दिखाते हैं, नई जो ऑफस्प्रिंग बनेगी वो इस तरह से होगी, और आइडेंटिकल ट्विंस को हम ऐसे दिखाएंगे और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस को ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, हेयरलेस फीमेल में हो सकता है, कभी चांसेस निल होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं। चलिए, तो अब मैं कुछ चीजें आपको नोट पे समझा रहा हूं। देखिए, डिजीज पेडिग्री जब भी आपको करना है तो डिजीज के बारे में देखना है, डिजीज कितने टाइप की है। डिजीज मेनली दो टाइप की है, या तो है वो ऑटोसोमल, ठीक है, या है आपका सेक्स लिंक्ड डिजीज। ध्यान से इधर देखो भाई, ऑटोसोमल दो टाइप की हो सकती है, या तो हो सकती है डोमिनेंट या हो सकती है रिसेसिव, और सेक्स लिंक दो टाइप की हो सकती है, या तो हो सकती है एक्स लिंक या हो सकती है वाई लिंक। यदि वाई लिंक डिजीज है तो सिर्फ मेल ही इंफेक्टेड होंगे पूरे पेडिग्री चार्ट में, लेकिन यदि एक्स लिंक डिजीज है तो ये भी दो टाइप से हो सकती है, या तो डोमिनेंट हो सकती है या रिसेसिव हो सकती है। और ये किस तरह से हम पता करेंगे कौन सी डोमिनेंट है कौन सी रिसेसिव है, ये सब बातें आप देख लेंगे। ठीक है ना, ये सब बातें आप देख लेंगे डिटेल सेक्शन में। चलिए आगे, ये इसके क्वेश्चंस करने पे ही सब सॉल्व होगा। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब क्या है, म्यूटेशन इन ए सिंगल जीन, एक जीन में म्यूटेशन। ठीक है, और ये जीन से रिलेटेड डिसऑर्डर है। दर्शन पाटीदार, मैंने आंसर दे दिया यार, है ना, हो सकता है लेकिन चांसेस बहुत कम होते हैं, क्यों होते हैं कैसे होते हैं ये बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड है, है ना। चलिए नेक्स्ट, हम ये बोल रहे हैं कौन कौन से हमें पढ़ने मेंडेलियन डिसऑर्डर। ये देखिए, हीमोफीलिया रेसेसिव है, कलर ब्लाइंडनेस रेसेसिव है, एक्स लिंक है दोनों, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल है, फिनाइल कीटो यूरिया रेसेसिव ऑटोसोमल है, सिटिस फिब्रियसिस बाकी छोड़ो, थैलेसीमिया ये सब है, ये सब मायोटोनिक डिस्ट्रोफी इज ओनली हमारे चार्ट में डोमिनेंट ऑटोसोमल डिजीज। ठीक है, बिल्कुल आशीष कश्यप, ये सब स्किप जनरेशन वाला हम बात कर चुके हैं यार, अभी हमारा रिविजन सेशन है, इसलिए क्वेश्चन वेश्चन जो है ना वो बिल्कुल अभी थोड़ा सा ही है मेरी मोहम्मद साहब। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस के अंदर क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म जो इफेक्टेड है वो रेड और ग्रीन के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है, और ये एक्स क्रोमोसोम जो है इसके ऊपर कैरी करता है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर कैसे होता है। देखो भाई इधर, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। देखो, एक यदि नॉर्मल, ये देखिए, ये एक नॉर्मल फीमेल है जो कि कैरियर है कलर ब्लाइंडनेस की। ठीक है, इसकी एक जीन है, है ना, कलर ब्लाइंडनेस की है। सोनम, इसके बारे में बात करेंगे, ये दर्शन पाटीदार, इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, यदि इसका क्रॉस होता है आपका एक नॉर्मल या कलर ब्लाइंड मेल से, तो पूछा जाता है प्रोजेनी में क्या चांसेस है। देखो, प्रोजेनी में चांसेस किस तरह से निकालेंगे, आपने चेकर बोर्ड बनाया, एक चेकर बोर्ड के अंदर एक साइड इसके इसके गैमेट रखे, ये लीजिए, एक साइड इसके गैमेट रखे, ये लीजिए, तो देखिए ये तो हो गया कलर ब्लाइंड, रेसेसिव है, कलर ब्लाइंड इज ए रेसेसिव डिजीज, तो दोनों आएंगे तब अफेक्टेड होगा। ये देखिए, यहां पे ये आएगा, ठीक है, यहां पे ये और यहां पे ये, तो आप क्या कह रहे हैं 50%। देखो जरा इधर, देखो देखो देखो, ये हो गया डिजीज्ड, ये हो गया डिजीज। अब ये डिजीज क्यों हुआ है, मेल क्यों हुआ है डिजीज, क्योंकि भाई एक जीन आ गई है इसके अंदर, तो दूसरा एक सही नहीं, तो जैसी कंडीशन जिसके अंदर एक ही क्रोमोसोम पे या एक ही जीन एलील में से, ऐसी कंडीशन जिसमें एलील में से एक ही जीन, ऐसी कंडीशन जिसमें एलील में से एक ही जीन
अपना इफेक्ट शो कर दे, ना डोमिनेंट ना रिसेसिव, लेकिन वो एक ही जीन है तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी. सच कंडीशन आर नोन एज हेमीजाइगस कंडीशन. ये हेमीजाइगस कंडीशन का केस है. ठीक है राहुल सिंह, थैंक्स अ लॉट, लेकिन यहाँ पे तो सॉरी वॉचिंग नहीं आ पा रही यार. ठीक है उसके ऊपर बात है ना. अब तुम्हारे जैसे स्टूडेंट कुछ कर सकते हैं तो मैं देखूंगा फिर. ठीक है चलिए, तो ये ऐसी इस तरह से क्रॉस लगा के आपको पता करना है. चलिए नेक्स्ट हीमोफीलिया है. इसके अंदर क्या है कि ब्लड क्लोटिंग जो एजेंट है वो डेफिशिएंट होता है, जिसकी वजह से एक बार यदि खून निकले तो निकलता जाएगा. ये ध्यान से सुनना, इसके अंदर फीमेल की जो पॉसिबिलिटी है हीमोफीलिक होने की वो बिल्कुल एक्सट्रीमली रेयर है, क्योंकि ऐसी जो फीमेल होंगी उनकी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही डेथ हो जाएगी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात. और दूसरी चीज, ये किसकी पेडिग्री में है? ये क्वीन विक्टोरिया की पेडिग्री में है, इसीलिए इसको रॉयल डिजीज कहा जाता है. ठीक है ना, अब इसका केस देखेंगे हम एक, किस तरह से क्या होगा वो हम अभी देखेंगे हीमोफीलिया के अंदर. तो मैं यहां पे करके दिखा रहा हूं. मान लीजिए हीमोफीलिक, ये भी रेसेसिव डिजीज है, तो मान लीजिए ये एक कैरियर है हीमोफीलिक. ठीक है, और इसके अंदर क्या हुआ, एक नॉर्मल मेल के साथ यदि इसकी मैरिज होती है तो कंडीशन क्या आएगी, देखो ध्यान से देखिए. इसका ये रहा गैमेट और इसका जो है ये रहा, ये देखिए नॉर्मल फीमेल, ये देखिए नॉर्मल मेल, ये देखिए यहाँ पे नॉर्मल मेल, और ये देखिए कैरियर, ये सॉरी हीमोफिलिक मेल, और ये देखिए कैरियर फीमेल. तो 50% जो लड़के होंगे वो डिजीज होंगे. यदि 50% जो लड़के हैं वो क्या है, डिजीज हैं. यदि फीमेल के बारे में बात करेंगे, कोई फीमेल डिजीज नहीं है, लेकिन 50% फीमेल जो है वो कैरियर है, दिख रहा होगा आपको. ठीक है, अफेक्टेड बिल्कुल भावी का आप बोल सकते हो, लेकिन मेल और फीमेल का पूछ सकते हैं. तो इस तरह से आपको इसके आंसर करने हैं बच्चों. नेक्स्ट हम हमारा जो नेक्स्ट है वो है सिकल सेल एनीमिया, और इस डिजीज के अंदर एक म्यूटेशन होता है. ठीक है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्जन. ट्रांसवर्जन का मतलब है, देखिए ये चलो म्यूटेशन वाला जो पार्ट आएगा उसके अंदर देखेंगे हम लोग. नेक्स्ट इसके अंदर देखो, हीमोग्लोबिन के अंदर दो चेन है ना, अल्फा और बीटा. इसके अंदर क्या होगा कि हीमोग्लोबिन की जो चेंज है अमीनो एसिड की सीक्वेंस में, उसमें बीटा चेन में चेंजेस आ जाएंगे. कहाँ आएंगे अभी देखेंगे. और इस बीटा चेन में चेंजेस आने की वजह से क्या हो रहा कि जहाँ पे ग्लूटामिक एसिड है ना, वहाँ पे सिक्स पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड है, उसकी जगह क्या आ जाएगा, वेलिन आ जाएगा. हमने कहा इट इज अ पॉइंट म्यूटेशन, एक छोटा सा बेस के अंदर चेंजेस होगा, और छोटे से बेस के अंदर चेंजेस होने के बाद में क्या होगा, पूरी की पूरी सीक्वेंस गड़बड़ा जाएगी. ठीक है, अब बेस के अंदर वेलिन आ जाएगा कहां पे, उधर देखो ग्लूटामिक एसिड कौन सी पोजीशन पे, सिक्स पोजीशन पे है ना, सिक्स पोजीशन पे. नेक्स्ट अब क्या होगा, अब ये होगा कि तीन जीनोटाइप है हमारे पास. एक तो हीमोग्लोबिन ये ए, ये बिल्कुल नॉर्मल है, जिनके पास एसएस है ये डिजीज्ड है. इनकी जो भाई आरबीसी है वो सिकल शेप की हो जाएगी. सिकल शेप की आरबीसी होने के कारण ये एक तो ये इसका एक फायदा है, इसको बहुत जो खतरनाक मलेरिया है वो नहीं होगा, लेकिन इसकी लाइफ साइकिल ज़्यादा लंबी नहीं होगी. ठीक है, लाइफ साइकिल ज़्यादा लंबी नहीं होगी. दूसरी चीज़, ये जो ऑर्गेनिज्म है इनकी आरबीसी की जो भाई ऑक्सीजन जो रेट है इधर उधर ले जाने की, वो भी क्या होगी, कम होगी. और तीसरी चीज़ है, इनकी लाइफ साइकिल जैसे लाइफ स्पैन होता है 120 दिन, इनका इतना नहीं होगा, इनका बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में होगा. चलिए तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये डीएनए हमारा सीटीसी और सिकल सेल में ये टी की जगह यहाँ पे आ गया, ये म्यूटेशन हो गया, ए आ गया, जिसके अंदर आरएनए का जो कोड है, उस आरएनए का कोड के बारे में यदि हम बात करें तो आरएनए का कोड थे जीएजी, और जीएजी की जगह हो गया जीयूजी, और जीएजी कोड करता है ग्लूटामिन के लिए, ग्लूटामिक एसिड के लिए, और ये जी जो हो जाएगा वो किसके लिए कटेगा, वेलिन के लिए. ठीक है ना, यही तो हमने पढ़ा है. यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाएगा, वेलिन आ जाएगा. ये हो गया, ये नॉर्मल प्रोटीन बना था, ये म्यूटेटेड बन गया. मलेरिया रेसिस्टेंट इसलिए होगा क्योंकि सोनम कुमारी तुमने मलेरिया का केस पढ़ा होगा, उसके अंदर ये पढ़ा होगा तुमने कि ब्राइटनेस कम. यार मोनू कुमारी, ब्राइटनेस कहाँ से कम होगी, ब्राइटनेस की तो रिक्वायरमेंट है. मलेरिया का जो लाइफ साइकिल, उसके अंदर आरबीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आरबीसी के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता प्लाज्मोडियम. चलिए अब यहां तो हमने पॉइंट म्यूटेशन इन सब का केसेस पढ़ा, नाउ वी आर डीलिंग विद क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है, क्रोमोसोम का नंबर एक ज्यादा हो जाना एक कम हो जाना, लेकिन एक ज्यादा और एक कम कैसे होगा भाई, ये हो सकता है कि एनाफेज के टाइम पे दो क्रोमोसोम चिपके हुए रह जाए, अलग ना हो,
तो एक सेल के पास में एक क्रोमोसोम ज्यादा चला जाएगा और एक सेल के पास में एक क्रोमोसोम क्या होगा, कम चला जाएगा। अब किस तरह से काम करना है जरा देखिए, मैं मेनली हम क्या डील करेंगे, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर और टर्नर सिंड्रोम। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। सबसे पहले डाउन सिंड्रोम है, इसके अंदर 21वां जो क्रोमोसोम है ना उसकी 3 कॉपी हो जाती है सेल के पास में, ट्राइसोमी हो जाएगा, 3 कॉपी हो जाएगी। और यहां पे क्या होगा, इसके कारण शॉर्ट स्टेचर हो जाएगा, छोटा गोल सर होगा, टंग जो है उसमें ऐसे दो बिल्कुल फरोड होगी, पार्शियली बिल्कुल आधा मुंह खुला हुआ रहेगा, ब्रॉड पाम होंगे और उस पाम के अंदर जो ये लकीरें देख रहे हैं ना आप, है ना, जो ये लकीरें देख रहे हैं ना, ये लकीरें बहुत डिफरेंट होगी, ठीक है ना, अलग होगी, कैरेक्टरिस्टिक होगी। ये फिंगर के लूप बहुत ज्यादा होंगे, ये फिंगर जो होती है इसके जो टिप होती है ना, टिप इसके ये लूप जो है बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है, मैनी लूप्स होंगे, बहुत लंबी और बिल्कुल झुर्रीदार जीभ होगी और वो फिजिकली ज्यादा फिट नहीं होगा, बिल्कुल साइको मोटर होगा, कभी हंस रहा है, कभी कुछ कर रहा है, अपने आप से बातें कर रहा है, समझ रहे हो ना तुम, ठीक है ना भाविका, अपने आप से बातें कर रहा है, दीक्षा और हंस रहा है, ये सभी। और ध्यान रखना मेंटली इनको रिटार्ड बोल दोगे आप, ठीक है, मेंटली आप इनको रिटार्ड बोल दोगे। चलिए बैच साहब भी आ चुके हैं, नेक्स्ट ये देखिए एक फोटो है, इस पे आपको देख के कुछ पता लग जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्लिन फिल्टर सिंड्रोम, इसके अंदर क्या होगा, एक एडिशनल कॉपी आ जाएगी एक्स क्रोमोसोम की, ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म होगा उसको जीनोटाइप होगा एक्स एक्स वाई। इसका मतलब ये दिखने में तो क्या होगा, दिखने में होगा ये मेल जैसा, लेकिन इनके अंदर ये स्टराइल मेल है और इनका पूरा डेवलपमेंट फीमेल के जैसा होगा, ठीक है, और कुछ फीमेल के कैरेक्टर रहेंगे जैसे फीमेल पिच वॉइस, बहुत पतली आवाज और डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। लेकिन ये जो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट है इन मेल, दे आर नोन एज गायनेकोमेस्टिया, गायनेकोमेस्टिया होगा, बिल्कुल। लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, ये बहुत अच्छे भाई, बिल्कुल मैं अविनेश उपाध्याय जी बहुत अच्छा हूँ, और बिल्कुल सोनू वर्मा इस शब्द का प्रयोग तुम कर सकते हो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम के लिए। और नेक्स्ट हम है टर्नर सिंड्रोम, इसके अंदर जो कंडीशन आएगी वो आएगी 44 प्लस XO, ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो फीमेल है ये स्टराइल होगी, ओवरी रिड्यूमेंट्री होगी, ज़्यादा डेवलप नहीं होगी, और सबसे इनके जो फीचर होंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक वो इनमें नहीं होंगे, ठीक है ना, इनमें नहीं होंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। चलिए ये हमने देख लिया, नाउ वी आर डीलिंग विद एडवर्ड सिंड्रोम, ट्राइसोमी 18 से है, इसके अंदर ईयर और नर्वस सिस्टम मेंटली रिटार्ड है, छोटी आंखें होंगी और जो होगा वो भी छोटा होगा। पटाउ सिंड्रोम, ट्राइसोमी 13 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्लेफ्ट प्लेट होगी, पॉलीडेक्टिलिटी होगी, बहुत सारी उंगलियां, मेंटली रिटार्ड होगा, स्मॉल हैंड और छोटी आंखें। क्राइडू चैट सिंड्रोम, ये पार्शियल डिलीशन की वजह से होता है क्रोमोसोम नंबर 5 के एक आर्म में, और यहां पे जब बच्चा रोता है तो ऐसा लगता है जैसे बिल्ली रो रही हो, क्या ये बात समझ में आ गया है। चलिए अब हमारा क्वेश्चनिंग वाला सिस्टम स्टार्ट होगा, ये देखिए यहां पे रेसेसिव और डोमिनेंट कैरेक्टर हमने दे रखे हैं, ठीक है, ये कुछ डोमिनेंट है, ये कुछ रेसेसिव है, विडो पीक के बारे में आंसर आ चुका है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चनिंग का सिस्टम आ चुका है तो हम फटाफट जो है इसका आंसर करेंगे, जल्दी आ जाइए फटाफट फटाफट सारे के सारे, पहला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है प्लियोट्रोपी जीन क्या शो करती है, एक जीन एक कैरेक्टर, एक जीन जो रेगुलेट करे फिनोटिपिक कैरेक्टर्स बहुत सारे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या मल्टीपल एलिज्म। पहला शेयर करो जल्दी से और जल्दी से इसका आंसर दो पहले का। दूसरा है द पैरेललिज्म बिटवीन फैक्टर एंड क्रोमोसोम लीड टू एनसीईआरटी के चार्ट में अलग से दे रखा है, ये सेल थ्योरी इससे इजाद हुई, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इजाद हुई, पेन जेनेसिस इजाद हुआ या मैपिंग ऑफ जीन इजाद हुआ। 1.1 करके आंसर दो, 2.1 2.3 करके आंसर दो। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, कौन सा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल नहीं है। सबसे पहला कलर ऑफ व्हीट कर्नल, हीमोफीलिया इन मेल, कलर ऑफ स्किन इन मेल और ईयर लेंथ इन मेज। अब मैं चाहता हूं कि आगे आने वाले एक मिनट के अंदर आप इन तीनों का आंसर दें ताकि हम इनका आंसर आपको डिस्प्ले करें, फटाफट कीजिए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सबने आंसर दे दिया। एंड द आंसर्स, पहले का दूसरा एक जीन रेगुलेट एक से ज्यादा कैरेक्टर, दूसरे का दूसरा क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तीसरे का दूसरा
हीमोफीलिया इन द मेल विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, नॉट है वहां पे, नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम बोल रहे हैं चौथा वाला जो क्वेश्चन है, एक्सो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी कौन से में होता है, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, डार्विन सिंड्रोम या क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। ये जो लास्ट वाला फोर्थ थर्ड वाला क्वेश्चन था इसका आंसर सेकंड बहुत सारे लोगों ने सही किया है, बाकी मैंने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का बोल दिया था उसमें, ठीक है ना। चलिए इनमें बताइए हाउ मेनी पॉसिबल फिनोटाइप ऑफ देयर ए बी ओ ब्लड ग्रुप में कितने फिनोटाइप है, ये हमने देखा था, इसका फॉर्मूला भी पढ़ा था, ठीक है। फिफ्थ एंड द सिक्स्थ, इफ ए क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद 50% डोमिनेंट कैरेक्टर, ध्यान से सुनना 50%, ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर एंड 50% रिसेसिव कैरेक्टर, जीनोटाइप क्या होगा, जल्दी 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 जल्दी। और ये लास्ट वाला करके देखेंगे, जरा लास्ट वाला करके देखेंगे फटाफट, देखिए पांच तक पहुंच चुके हैं, छठा वाला भी आंसर दो, जिज्ञासा त्रिपाठी आ चुकी है, काजल भी आ चुकी है, दर्शन का आंसर आ चुका है, शरीर मुन्ना माइकल का आंसर आ चुका है, जल्दी करो भैया जल्दी। जल्दी से आंसर दीजिए, मेरे हिसाब से आपने आंसर दे दिए होंगे, एंड द आंसर आर, हम इसके आंसर देखें यदि कहाँ गया भाई। चलिए चौथे का पहला टर्नर सिंड्रोम, एक्सो सिंड्रोम, पांचवे का जो है ये है आपका फर्स्ट, चार होते हैं ये हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था N+1, और सिक्स का है सेकेंड आंसर, यदि ये वाला जीनोटाइप रहेगा, कौन सा जीनोटाइप, कैपिटल ए स्मॉल है क्रॉसेस विद स्मॉल ए स्मॉल है, इस वाली कंडीशन में रहेगी तो 50% जो डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा और 50% रिसेसिव। एंड नेक्स्ट स्लाइड में बढ़िए, दो बेबीज जो कि एक्सीडेंटली इंटरचेंज हो गए हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ कैनॉट विन द केस, इनमें दो बीबी हैं जिनका जो एक्सीडेंटली क्या हो चुका है, उनके बच्चे बदल गए हैं, आप ये बताइए कि हस्बैंड और वाइफ का कौन सा कॉम्बिनेशन है जिस जो केस जीत ही नहीं सकते, और रीजन है भाई इसका, रीजन है। 30 सेकंड जो क्वेश्चन है कि मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट था लिंकेज में, उसमें जो परसेंटेज ऑफ व्हाइट आई और मिनिएचर विंग रिकॉम्बिनेशन F2 जनरेशन में कितना है, जल्दी 7.1 ओ ए बी, चलो देखते हैं देखते हैं भी देखते हैं, जल्दी से बताइए जरा, आंसर कर दूं क्या अदिति, इतनी लेट आई हो तुम कभी कभी अदिति, 100 लाइक्स में 9 लाइक्स और चाहिए, सॉरी 8 लाइक्स और चाहिए, और मैं ये सोचता हूं कि मेरे बच्चों में इतनी ताकत है कि वो ये 8 लाइक एक मिनट में कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, बिल्कुल जल्दी से कर दीजिए, लाइक 93 पहुंच चुके हैं, वाकई है 93, वेरी गुड, जल्दी 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 95, वाह मेरे शेरों, जल्दी अभी तो एक मिनट बाकी है, जल्दी करो 97, यस दैट्स गुड दैट्स गुड, और ये तीन चार लाइक और ठोकने वाला है कोई 98, बहुत बढ़िया, और थोड़ी देर में मैं इसका आंसर भी है ना आंसर भी डिस्प्ले करूंगा 100 लाइक्स होते ही, जल्दी से मेरे शेरों ये लाइक्स बढ़ा दो मेरी ATP, या 100 लाइक। चलिए तो आंसर क्या है, आंसर है सेवंथ का फोर्थ है ए बी, क्योंकि को डोमिनेंस शो हो जाएगा, बच्चे का यदि ब्लड ग्रुप ए बी आ गया बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और आठवें का आंसर है 37.2, सीधा मगअप करने का था, थैंक्स अ लॉट थैंक्स अ लॉट। आज ये जो चैप्टर था ये हो सकता है बहुत फास्ट हुआ, बट ये रिविजन सेशन, इसके अंदर मैं सिर्फ आपके सामने से ये चैप्टर लेके जाऊंगा मेन मेन इंपॉर्टेंट चीजें बताते हुए, ताकि ताकि जिस बच्चे ने पढ़ लिया है उसको दिक्कत ना हो, ठीक है ना बच्चों। तो मैं मंडे को जो चैप्टर कराऊंगा वो होगा आपका माइक्रोबियन ह्यूमन वेलफेयर, मॉलिक्यूलर बेसिस हम बाद में करेंगे, माइक्रोबियन ह्यूमन वेलफेयर, और उसके नेक्स्ट डे जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा एनवायरमेंटल इश्यूज, बाकी बचे हुए चैप्टर भी हम करेंगे, बट ये दो दिन जो आपका सेशन है वो इस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटे हैं और इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलेंगे, बिल्कुल थैंक्स अ लॉट मरियम, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।